अपनी मजेदार बातें लेकर आ रहे हैं रवि गुप्ता जी फ्रॉम यूपी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, लोगों को जिंदगी में बहुत सारे भ्रम होते हैं, मुझे भी रहे। जैसे मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा है नहीं, वो मुझसे निराश नहीं है, वो टूट चुके। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तो कोई मेरे पापा से पूछता है कि गुप्ता जी आपके बच्चे करते क्या है, तो बोलते हैं बड़ी लड़की इंजीनियर है, छोटी अकाउंटेंट है और लड़का आर्टिस्ट निकल गया। आर्टिस्ट निकल गया, ऐसे बोल रहे जैसे जुआरी निकल गया, शराबी निकल गया, कबाबी। ये सुन के मैं टूट जाता हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के सामने जाके गाना गाने लगता हूँ कि क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ? तो माँ कहती है हाँ। माँ कहती है हाँ। और देखो, ये दोनों मुझसे इतने ज्यादा निराश है, इसके पीछे रीजन बचपन से ही मैं पढ़ाई में कमजोर था। अर्चना जी, मेरी मैथ बहुत कमजोर थी। हाँ। मेरी मैथ इतनी कमजोर थी कि पढ़ते पढ़ते मेरी गणित फट गई थी। मैं स्कूल में कभी कोई प्राइज नहीं जीता, लाइक एक बार मुझे मिला था कॉन्सोलेशन प्राइज। अच्छा, कॉन्सोलेशन प्राइज पता है क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद आता कॉन्सोलेशन प्राइज। हिंदी में उसे कहते हैं सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना, वो टीचर भी बच्चों को भीख में देता है जब उसको लगता है इसको दो नहीं मर वरना जाए यार ये। देखिए शेखर जी, अभी भी मैं लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा हूँ। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे पता चल गए थे लोग मुझे निकालने वाले। पहले ही छोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज के लिए बनाऊ। पर मैं चीज आप लोग को बता दू, अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं तुम किसी और चीज के लिए बने। जरूरी नहीं। अच्छा। हो सकता है तुम हरामखोर हो। दुनिया वाले जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे, मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम। तब ने मेरे पास जॉब नहीं। पर मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी, मैं कल की चिंता नहीं करता। उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। और देखिए, जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे अपने बारे में पता चला, लाइक अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चला कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं था, ये बस मुझसे काम करवाए जा रहे थे। अब मुझे मिल गया हैबिट, अब मैं पढ़ा रहता हूँ। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर डूब जाता है, ये मैं देख रहा हूं। और मैं बाहर जाके लोगों से बता रहा हूं कि दोस्त से सिर्फ कहावत नहीं, मैंने देखा है पूरा प्रोसेस। मेरी बॉडी में पेन रहने लगा लेटे लेटे, तो मेरे दोस्त ने बोला भाई ये थायराइड की सिम्टम, जाके टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्ट करवाया, थायराइड नहीं निकला, आलस निकला। आप लोगों को आलस आता है, मेरे पास आके रुक गया। शाम को 6 बजे मेरी आंख खुलती है, मैं उठ के चौंक जाता हूँ, अरे शाम हो गई, फिर सोना पड़ जाएगा। और मैं सो जाता हूँ। बट देखिए, घर पे पड़े रहने का एक नुकसान है, मैं मोटा हो रहा हूँ। उसके दो रीजन, एक तो मैं पड़ा हुआ हूँ, दूसरा रीजन है मैं खाता बहुत हूँ। अच्छा। मुझे खाते खाते भूख लग जाती। भूख लग जाती है। और ऐसे नहीं, मैं से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, मैंने 2 बार जिम ज्वाइन किया और दोनों बार दो दो दिन में छोड़ दिया। अच्छा। ये मुझे मोमोज खाने से मना कर रहे थे, 4 दिन मोमोज नहीं खाऊं हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे। एक बार तो मुझे मोमोज वाले ने डांट दिया कि इतना नहीं खाना होता बे। और देखिए शेखर जी, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो तो जो वहां का ट्रेनर होता है वो लोगों को
मोटिवेट करने के लिए उन्हें गालियां देता कि तुमसे हो गई नहीं, तुम्हारे बस के नहीं पुशअप्स करना, क्या करने आ गए तो? तो लोग एफर्ट मारते, मैं बस मान जाता हूं। हाँ, I'm like, इसने 4 साल से जिम खोल रखा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा यार। मैं मंदिर चला गया और भगवान के सामने जोर जोर चिल्लाने लगा कि तू कैसा भगवान है, तू आदमी को बिना दौड़ाए 10 किलो कम नहीं कर सकता। शेखर जी पुजारी मुझे टिप दे रहा है। हाँ। बोला भाई तू एक काम कर, तू स्विमिंग कर। हाँ। स्विमिंग करने से वेट कम होता है। हाँ। अरे बात सही है, आप स्विमिंग करो वेट कम होता है, बस तुम्हें पानी में जाते ही मजे ना आने लगे। हाँ। मैं पानी में जाते ही अपने गेम शुरू कर देता हूँ। हाँ। मैं पानी में जाता हूँ और कच्छे में हवा भर लेता हूँ। क्या इमेज दी। और बाजू वाले को बोलो ब्रो देख कछुआ। देख देख गायब हो गया, देख अभी फिर आएगा। तो अपना चल रहा है, चल रहा है। कॉलेज मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं, वहां पे मैं लूजर ही था, जैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। हाँ हाँ लोगों में खुसर फुसर होने लगे कि इसकी गर्लफ्रेंड। मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यार करता था मैं उसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, ऐसा वो बोलती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दूसरे बोला कि रवि शादी के बाद भी तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे ना? मैंने बोला हाँ हाँ। बोले ठीक है, दिसंबर में है मेरी शादी। देख मेरा दिल टूट गया। पर उसी टाइम कॉलेज में एक नई लड़की आई थी, मुझे वो पसंद थी, जूनियर थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ पसंद नहीं था। कि मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, लंच पे जाऊं। उसने कई बार मुझे समझाया, पीटा भी, पर मैं जिद्दी आदमी, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरी अभी भी उस लड़की से बातचीत होती, उसके बेटे का नाम शुभम है। नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर निगेटिव थिंग्स। हाँ मतलब अब ऐसा कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं। मैम अब अगर मेरे पास किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, मैं खुद ही बोल देता हूँ फेक आईडी होगी। कस्टमर के से मेरे पास फोन आया, हेलो मैं उसे सुमन बोली आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने बोला सुमन वो सब छोड़ो। पहले बताओ तुमने खाना खाया? मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ। मैं लाइफ में इतना अकेला हूँ मैम कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं। हाय हाय। तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूँ। और अपने हिसाब से नहाता हूँ। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है। अपने चटपटे कॉमेडिक अंदाज से आपको रिझाने आ रहे हैं अपूर्व गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं दिल्ली से हूँ बट मैं सहारनपुर से था पहले ना, मतलब सहारनपुर से फिर मैं आपके देहरादून के एकदम पास है ना। और हम लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ी घटना होती है जब मैं फर्स्ट टाइम 5-star होटल गया। क्योंकि मैंने देखा है 5-star में जो रिसेप्शन पे लड़की होती है ना वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। क्योंकि जैसे ही मैं गया उसने मेरे टीका लगा दिया। ओहो, मैं कहा ये क्या हो गया इसको। फिर मेरे को माना पहना दी। मैं कहा ये क्या हो गया। फिर कहती है सर अपना नंबर दो। मैंने कहा रुका नहीं जा रहा भाई, रुका नहीं जा रहा है। फिर कहती है सर डू हैव एनी वोटर आईडी कार्ड और समथिंग। मैं कहा ये तो कोर्ट मैरिज पे आ रही है। नहीं बेबी बहुत जल्दी हो रहा है ये। फिर मैं चाचा जी के साथ गया तो मेरे को कहती है आप कोने में आ जाओ। मैं कहा मैं छोटे शहर का हूँ, इतना ओपन माइंडेड नहीं हो सकता इसको डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आना है। तो मैं कोने में आ गया। फिर चाचा जी के साथ था तो चाचा जी के साथ सेम बिहेवियर कर दिए। अच्छा। मैं कहा ये तो काफी वाइल्ड है। फिर मैंने कहा मैम आप मेरे को चाबी दे दो। तो मेरे को चाबी दे के बोलती है आई विल शो यू। मैंने कहा नहीं बहुत जल्दी हो रही है। ये ज्यादा हो गया।
तो मैं ना सामान लेके, मैं था, चाचा जी थे और एक सर्विस बॉय होता है, हम लिफ्ट में चले गए। काफी अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है वो, क्योंकि उस एक मिनट में सर्विस बॉय को आपके साथ कॉन्वर्सेशन क्रैक करनी है, उसको पैसे चाहिए। एट दैट टाइम आपको लड़की वाली फीलिंग आती है, आपको पता है उसको क्या चाहिए। लेकिन आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो, तो ही इज लाइक सर फर्स्ट टाइम यार। हाँ फर्स्ट टाइम। पर्सनल टिप और प्रोफेशनल टिप? पर्सनल टिप। आई यू इन, अबे नहीं देने पैसे यार, नहीं दे। तो हम रूम में गए, तो रूम में तौलिए की बत्तख बनी होती है, देखा आपने? बिल्कुल, बेड पे। तो तौलिए की बत्तख भी वहीं थी, पानी की बोतल भी वहीं थी, तो मैंने दोनों उठा के साइड में रख दी। मैंने कहा मैं पेटा का सपोर्टर हूँ, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। तो मैं थका हुआ था क्योंकि दिल्ली से लखनऊ गया था, जेट लैग हो गया था, टाइम डिफरेंस ज्यादा होता है ना। तो मैंने चद्दर ओढ़ने की कोशिश की। शेखर जी इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं, इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं, पहली बारी में आके ना दे। मैंने कहा 8,000 दिया, ऐसे कैसे नहीं आएगी, तेरा बाप भी आएगा। मैंने पूरी जान से खींच दी। अब ओढ़ने के साथ बिछाने वाली चद्दर भी आ गई। आ गई। Oh God. मैं नंगे गद्दे पे लेटा हुआ था अर्चना जी। तो हमने चाय ऑर्डर की और चाय अलग आ रही है, चाय की पत्ती अलग आ रही है, पानी अलग आ रहा, दूध अलग आ रहा, और शक्कर, लूडो वाली शक्कर आती है वहां पे, लूडो वाली शक्कर। अर्चना जी मेरे चाचा जी बावले हो गए, कहते हैं ऐसे आती है क्या यहाँ पे? मैंने कहा हाँ 5-4 में ऐसी ही आती है, अलग अलग आती, खुद बनाना पड़ता है। कहता शुक्र है मैं अभी पकौड़े ऑर्डर करने की सोच रहा था, वो बेसन कढ़ाई लेके आ जाते। तो मैं थका हुआ था तो मैं बाथरूम में गया। अर्चना जी बाथरूम में होता है बाथटब, और बाथटब देख के हम इंडियन हो जाते हैं वाइल्ड वाइल्ड, क्योंकि वो सारी मेमोरी रिक्रिएट होने लग गई है। हाँ। जो वो सारे सीन जो हमने म्यूट करके देखे हुए थे हमारे माइंड में उछले जा रहे हैं। हाँ। हमें लगता है हम बाथटब में पानी भर के नहाएंगे। हाँ। बट हम ये भूल जाते हैं बाथटब को भरने में लगता है आधा घंटा। राइट। प्रोवाइडेड आपको ये पता हो नाली कैसे बंद होनी है। जो यहाँ पे किसी को आइडिया नहीं है भाई साहब, किसी को एडियन बाल्टी मग्गे से नहा रहे होते हमने 5-4 पे जाके। तो मैं लेट गया ऐसे बिना कपड़ों के, तो चार बोतलें होती है, मैंने चारों डाल दी। अच्छा। मैंने कहा इतना दिमाग थोड़ी लगाना है, उनका काम है झाग लाना, अपन का काम था 8,000 देने, अपन ने दे दिया ना, उनका काम है झाग लाना, झाग नहीं आके दे रहे। अब होटल वालों को पता है एक बंदा आएगा जो वहां जाके बिना कपड़ों के लेट जाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का, तो उन्होंने वहां पे फोन दे रखा है, कहता कर ले जितनी खुजली हो रही है कर ले। तो मैंने फोन किया, मैं कहा भैया बिना कपड़ों के लेटा हुआ हूँ, झाग आने दे। अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट विजिबली गुड, काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी। उसने चार बोतलें और भेज दी। मैंने चार बोतलें और डाल दी। मैंने कहा 8 बोतलें डाल चुकी हैं, अब तो झाग आनी चाहिए, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टर्बाइन चलाना पड़ता, मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। मैंने सर्विस बॉय को बुलाया, छोटू 10 रुपए ले दो, डिटर्जेंट पाउडर लेके आ। झाग तो तुम्हारा बाप भी लाके देगा बेटा यहाँ पे। फिर बाथटब से मैंने एक पांव बाहर निकाला, राइट साइड में एक व्हाइट कलर का ओवरकोट होता है, नाड़े वाला, फ्रॉक वाला, क्या बोलते हैं, बाथरोब, बाथरोब जी। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने बाथरोब पहन के, क्या इतिहास गवाह है, भारत के इतिहास में 2 लोगों ने बाथरोब पहना, एक प्रेम चोपड़ा साहब, दूसरा अमरीश पुरी साहब। अच्छा। लेकिन मैंने डॉन में देखा हुआ था अमिताभ सर बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के बाद जूस पी रहे। मैंने कहा ये तो करना बनता है, 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैं बाथरोब पहन के ब्रेकफास्ट करने चले गया। बाथरोब पहन के? हाँ। अर्चना जी सुनो, अब इसमें एक छोटा सा कैच था, अमिताभ सर है 6 फिट के, तो उनके बाथरोब आता था यहाँ तक। मैं हूँ 5 फिट 4 इंच का, उन्होंने वही बाथरूम रखा हुआ, ऐसे ऐसे करके जा रहा था मैं। बहुत अच्छे। और नॉर्मली आपने देखा है, नॉर्मली हम चाय पीते, ब्रेकफास्ट करते, 5-4 में ऐसा नहीं होता, सबसे पहले वाटरमेलन जूस, फिर म्यूजली, फिर कॉर्नफ्लेक्स, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर ऑमलेट, फिर कहते पेट तो भरने रहा, छोले पूरी ले आ चाय के साथ। खाना स्वाद ठंडा दूध दे रहे हैं, बताओ ठंडा दूध इतने पैसे के बाद। तो मैं चाचा जी के रूम में गया। चाचा जी मेरे बाथरूम पहन के बैठे हुए, छाती के 2 बाल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और तौलिए को देख के कहते हैं
तौलिए रखे थे वहाँ पे, कहते हैं अच्छे लग रहे हैं। अच्छे रख ले मतलब। ओ, ले चले, ले चले। मैंने कहा रखोगे कैसे? कहते चद्दर की पोटली बना ले। अर्चना जी मैं बताऊं, चाचा जी को अब लत लग गई है तौलियों की, ठीक है? तो अब मैं जब भी कभी 5-4 होटल जाता हूँ, चाचा जी मेरे को 2 तौलिए दे देते जिनके बाल खत्म होने वाले हैं। मैं गया, वो वाले तौलिए रखाया, नए वाले ले। 3 टावल शोरूम है हमारे गुप्ता टावल का, छोटा आदमी नहीं हूँ मैं, ठीक है? ऐसा मत समझना, गरीबी में नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत पैसा है मेरे पास भी, ठीक है? मैं बताऊं, होटल में जाके हम बावले हो जाते, सब कुछ घर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो कान खुजाने वाला, दांत मारने वाला टिश्यू, मेरे चाचा जी सेट टॉप बॉक्स का कार्ड ले आए भाई साहब। मैंने कहा सेट टॉप बॉक्स का कार्ड कौन लाता? कहता पूरा डब्बा ले आ गया, पागल हो गया, पूरा डब्बा ले आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम रजत चौहान फ्रॉम दिल्ली। हेलो शेखर जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे? आप माइक क्यों उखाड़ा आपने? बस सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ उखड़ जाए, हैंडपंप तो ना सही है, सही। हेलो मिस बेगेंजा। आहा। मतलब ईमानदारी से ना, हमने कोशिश करी थी कि मैंने बहुत सारे स्कूल ट्राई करे कि कभी ऐसी टीचर मिले, पर कहीं नहीं मिली। क्या बोल रहे हो तुम राजा? यही बोल रहा हूँ मैं। आप ये मानिए, अभी कोविड चल रहा था और मैं थोड़ी देर पहले भी मॉल में गया था, तो वहाँ पे गार्ड के पास ना टेम्परेचर चेक करने की मशीन होती है, उसके पास नहीं थी, तो उसने 4 उंगली मेरे माथे पे लगाई और कह रहा जाओ। इतने कैजुअल लोग हैं हम लोग, इतने कैजुअल आराम से। पर आप में से कोई है मिडिल क्लास? सभी सभी शेखर जी, हर कोई मान लेता है। पर मिलिट्री बताऊं, मैं आज एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूं, लिटमस टेस्ट कहते हैं उसको। मैं 3 चीजें पूछूंगा आपसे और अगर आपका हाथ उठ जाए, ताली बज जाए, तो मैं समझ जाऊंगा आप हैं। अच्छा, तो शुरू करूं? हां बिल्कुल। पहला, अगर आप अभी अपने घर में जाएं और फ्रिज खोलें और उसके ऊपर के हिस्से में कटा हुआ नींबू रखा है, तो आप हैं बिल्कुल। उसमें से भी कुछ प्रॉपर मिडिल क्लास होते हैं जो उस कटे हुए नींबू की भी ना 2 बूंद ड्रॉप करके उसे वापस फ्रिज में रख देते हैं। हाँ, वो भी है कि मैं इसको फ्यूचर में यूज करूंगा, तो आप पक्के हैं। और उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो इसके बाद इस कटे हुए नींबू को भी ना बर्तनों पर रगड़ के, मुंह पे रगड़ने के बाद फेंकते हैं। मतलब नींबू भी कहता है भाई साहब मेरा इस्तेमाल नहीं, मतलब मेरा शोषण हो रहा है। मतलब नींबू भी खुद बोल देता है कि मतलब अगले जन्म मुझे अंबानी घर कीजो। दूसरा, कहीं आप कहीं बाहर एक पानी की बोतल खरीदें और उसको पीने के बाद कूड़ेदान में फेंकने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आए कि इसको घर ले चलते हैं, तो आप हैं। और तीसरा, जो कि मतलब पक्का करेगा कि आप हो या नहीं हो, कि अगर आप अपने घर में बोलो कि कुत्ता पालना है और सामने से रिएक्शन आए तुम्हें पाल तो रखा है, तो आप हैं। है। अर्चना जी, दिल से बता रहा हूं, मैं बहुत शरारती बच्चा रहा हूं बचपन से, इतना शरारती कि मैं कभी होमवर्क करके जाते नहीं था, तो टीचर हर बार मेरी नोटबुक में ना ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के भेजती थी घर पे, तो मैं घर जाने से पहले उसको रेड पेन से प्रॉपर दिल बना देता था। मम्मी कहती थी ये क्या है, मैंने कहा आजकल ये एक्सलेंट से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाता है। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट दिन टीचर देखती थी, अरे ये दिल क्यों है, तो वो पूरे पेज को ऐसे काट देती थी। तो मैं घर जाने से पहले उसके आगे एक एरो और नीचे 3 डंडियां बना देता था। मम्मी कहती ये क्या है, मैं कहा वो टीचर पागल है मेरे प्यार में। मैं बताता हूँ कि इंडियन मॉम की खासियत होती है, बताता हूँ बड़े कि हमारे पेरेंट्स ना पिटाई नहीं करते, हमारी सुताई करते हैं। पिटाई और सुताई में फर्क क्या है शेखर जी? फर्क ये होता है, सुताई में क्या होता है कि माँ बाप बेड पे बेहोश पड़े होते हैं मारने के बाद हमें, और हम जमीन पे। मतलब
मतलब सुताई हुई है। और मैं बता दूं आपको, इंडियन मॉम पूरे ब्रह्मांड में ऐसी लौटी माताएं हैं जो बच्चे को पीटने के साथ साथ फीडबैक मांगती हैं। लगा मजा आ रहा है, दर्द हो रहा है, और आपको फीडबैक देना पड़ता है, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि जब तक मम्मियों को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना जॉब में, तब तक मजा नहीं आता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी पिटाई खा चुका हूँ अर्चना जी कि मैं PhD कर चुका हूँ पिटाई पे। अच्छा। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना ऑडियंस, मैं आपको आज ज्ञान दे रहा हूँ कि कभी भी पढ़ाई करना ना जिंदगी में तो बेड पे बैठ के मत पढ़ना, चेयर टेबल लेके बैठो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि होता क्या ना मैम कि देखो चेयर कुर्सी पर पढ़ रहे हो, आपने गलती करी, मम्मी ने थप्पड़ मारा, लग जाएगा मैक्सिमम एक, या आप ऐसा कर जाओगे तो छिप जाएगा, बच जाएगा, पर बेड पे स्कोप नहीं होता। बेड पे मम्मी आपके ऊपर आ गई है, सुता सुता के मारती है। अब उनका मंगलसूत्र ऐसा लटकता हुआ दिख रहा है आपको। मेरी मम्मी के हाथ थोड़े शकरकंदी जैसे हैं। अच्छा। फिर जब वो ऊपर से कूदती है ना तो नीचे अगर ट्रिपल एच है तो तीनों एच 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 अलग कर दे मेरी बात। आप ये मानिए प्यारे बच्चे बहुत रहे हैं, इसके बाद मैं बताऊं आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि हम जब माँ के साथ इतना रहते हैं ना, अर्चना जी जब शादी के लिए लड़की ढूंढते हो ना तो आपको वो ट्रेड चाहिए होते हैं अपनी माँ के, उस लड़की के अंदर। अब इतना हो गया कि मैं मानो कि मैं एक लड़की से शादी के लिए मिला एक रेस्टोरेंट में, तो मैं उसके सामने खाना खा रहा था, तो मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई, तो मैंने वो सब्जी छोड़ दी। अच्छा। पर ये बात उस लड़की को समझ नहीं आई, कहती रजत चुपचाप पूरा खाओ। अच्छा। मैंने कहा मम्मी आप बहुत अच्छे, आप ये मानो वो प्लेट मैं सिंक में रख के आऊं रेस्टोरेंट की। मैंने कहा कि इसके लिए ताले ना मिले कि सिंक में रख के नहीं आए। एक बताऊं, हमारी मम्मियों को ना लड़कों से जिंदगी में सिर्फ दो काम पड़ते हैं, एक जाके ये बच्चा दूध ले आए। मम्मी मैं शिमला जा रहा हूं तो बेटा लौटते हुए ले आना। दूसरा, किसी भी रिलेटिव को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, शमशान घाट से लेकर आना। मतलब हमारा यही काम है। वो कहते हैं ना कि यूथ कहाँ जा रहा है आजकल, आजकल सब स्कूटी बैठा हुआ है, रिलेटिव को लेने गया वो जिंदगी में, वरना कोई वैल्यू नहीं हमारे। और पता अर्जुन जी रिलेटिव को भी तारीफ नहीं करते, रिलेटिव का ही होता है बहन जी आपका बेटा कितनी तेज चलाता है स्कूटर, इसने स्पीड ब्रेकर पर तो इतना उछाल दिया था कि मेरी कबूतर से चुम्मी होते बची। बहुत अच्छे। और लटरी बता रहा हूं, अगर सच में आपको अपने घर में अपनी माँ को लूप पे सुनना है, लूप पे सुनना है, पे सुनना, तो बस घर में एक बार चिल्ला के बोल दो बुआ जी अच्छी हैं। बहुत अच्छे, बुआ जी अच्छी हैं। और फिर बोलो खाना उसी और से जाके ले ले। मैं तो नहीं दे रही जिंदगी में। आप ये मानिए मैं इतनी लड़कियों से मिल चुका हूँ ना, तो मुझे वो क्वालिटी माँ वाली चीज़ है। आप ये मानो जैसे अर्शिका जी आपसे बोल लेता हूँ वैसे मैं, अभी आप काफी यंग हो, आपकी शादी होनी बाकी है मुझे पता है अभी, तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या चीज़ आपकी लड़की में क्वालिटी, अगर आपकी दोबारा शादी हो आज? खाना अच्छा बनाए। बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ? सर अरुण जी लड़की मिल जाए बस। अर्चना जी आप देख रहे हो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी बस, बताइए इस लड़की को बैग देंगे पीछे जो बता पाएगी क्या क्वालिटी चाहिए लड़कियों को, लड़कों को बड़ी एक्साइटमेंट है। या प्लीज आप बताना चाहते हो? प्लीज टॉल हैंडसम ओके। अर्चना जी आप देख रहे हो इन लड़कियों के पास एक लिस्ट है पूरी, ये भी होना चाहिए, वो लविंग केयरिंग हैंडसम लॉयल एंड प्लस 20 अदर क्वालिटीज। तो मैं उन सब लड़कियों को आज बता दूं कि एक ही पेड़ पे आम शैतू चीकू केले संतरे पपीते नहीं लगते। कुछ लोगों का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है। बहुत अच्छे वाह। और मैं बताऊं माँ के साथ रहते ना होता है प्रॉब्लम क्या है ना कि पापा की मैं इतनी बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो। बताऊं फादर की खुद रिस्पेक्ट खुद कमाई नहीं है। हमारे पापा ना कभी भी कैरेक्टर में रहते हैं। शिखर जी आप कैसे पापा हैं, मतलब घर जाके बच्चों को हक करते हैं ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, हमारे हक वाला सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। हमारे होता है कि पापा हमेशा घर में आते ही कैरेक्टर में है। अच्छा अच्छा। कि कभी उनको पता कि अगर घर में हंस दिए तो बच्चे कहीं प्रॉपर्टी ना मांग ले। अर्चना जी एक बार मुझे 1000 रुपए चाहिए शिमला जाने के लिए, पिकनिक पे गए थे हम स्कूल से, तो इसके लिए पहले घर का माहौल सेट करते हैं, पहले आइडल टेम्परेचर देखते हैं कि अब ये माहौल सही है पैसे मांगने के लिए। तो मैं गया एकदम से, पापा आए पहले आराम से बैठे, मैंने उन्हें पानी दिया, चाय दी, खाना दिया, सब कुछ आराम से हुआ। कह रहे बेटा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा वो पिकनिक ले जा रहे हैं हमें शिमला, 1000 रुपए चाहिए। कह रहे बेटा आपको ले तो गए थे अब जब 2 साल के थे। मैंने कहा
तब मैं बहुत छोटा था, कह रहा शिमला भी उतना ही है। पर मैं आपको बताऊं, पापा इतने बुरे नहीं होते नहीं है। जैसे बताऊं, धीरे धीरे आप समझ पाते हो दोनों के बीच में एक इक्वेशन होती है। जैसे शिखर जी बचपन में कहता था कि मम्मी कुछ पापा से बात करिए, जैसे रेंट कर रही है कि ये क्या कर रहे हो तुमने जिंदगी में, ये वो, और पापा आराम से शेव कर रहे हैं। तब ना अंदर से फीलिंग आती थी, कितना खराब आदमी है ये, मेरी मम्मी की बात नहीं सुनता। शेखर जी अब मेरी शादी हो चुकी है। बहुत अच्छे। अब मैं कहता हूँ मेरे पापा सही इंसान था। एक तो सच में बताऊँ कि हमारी अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पेरेंटिंग की, मानते हो? सच्ची बताना शेखर जी, क्या आपके माँ बाप ने कभी आप लोगों को बोला है कि आप सुंदर दिखते हैं? नहीं। अर्चना जी, जब घर का मालिक ही खुद अथॉरिटी नहीं ले रहा तो समाज में कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? शेखर जी आप ये मानिए, मुझे ये बात 11th क्लास में आकर एक लड़की ने बताई, वो भी रिसेस के बाद। क्या? अच्छा, रिसेस के लिए। अरे रजत, तुम्हारे चेहरे पे डिंपल पड़ते हैं। मैंने कहा कहां? कहां? ये है हम लोग बच्चे यार लाइफ के अंदर। या दैट्स माय साइड, यू बीइंग अ लवली ऑडियंस, गिव अ ग्रेट अप्लॉज, आप भी बहुत ही बारी।